गाइस क्रिकेट मैच के दौरान स्टैंड में दर्शकों को अलग अलग तरह के बैनर हाथ में लेकर हिलाते हुए देखा ही होगा। किसी के हाथ में चौका का बैनर रहता है तो किसी के हाथ में छक्का का, लेकिन कभी कभी दर्शक ऐसे फनी बैनर्स दिखाते हैं जिसे देखकर खिलाड़ी भी शर्मा जाए। तो चलिए उनमें से कुछ फनी बैनर देखते हैं। इस बैनर में लड़की ने जहीर आई लव यू का बैनर पकड़ के दिखा रही है। इस लड़की को कोई समझाओ कि जहीर ग्राउंड में तुमसे प्यार का इजहार करने नहीं आया है, वे अपने देश के लिए खेलने आया है और ये लड़की उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसमें ये लड़की कहना क्या चाह रही है पता नहीं, शायद एक रात के लिए विराट को अपने घर बुला रही होगी। अब क्या काम है क्या नहीं वही जाने। इसमें सैन वार्न के लिए लिखा गया है, सैन आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। पर एक चीज़ ध्यान से देखो, बैनर जो पकड़ा है वो दोनों तो मर्द लग रहे हैं यार, क्या मर्द भी प्रेग्नेंट होते हैं। इसमें ये लड़की दिखा रही है कि पांड्या आज करके आया है। तो इस लड़की को कैसे पता कि पांड्या आज करके आया है? क्या पांड्या इस लड़की के साथ करके आया है जो ये बैनर दिखा रही है? मैं मैच प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ यार, आप लोग गलत माइंड मत लगाना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसमें लिखा है अखमल, यू हैव माई क्रश, डोंट ड्रॉप इट, दिल में चाकू। इसका मतलब क्रश ही होता है ना, जो हो आप समझ लेना। ये कामरान अखमल के लिए है क्योंकि ये कैच बहुत छोड़ता था। इसमें तो ये लड़की किस मी मोंटी लिख कर दिखा रही है, ना प्यार का इजहार ना कुछ, डायरेक्ट किस का ऑफर, ऐसा मौका कौन छोड़ता है। पर स्टैंड में जाकर किस भी तो नहीं कर सकता। मोंटी पेनेसर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका खून तो इंडियन है पर उसका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था और वे इंग्लैंड के लिए ही क्रिकेट खेले हैं। इसमें ये लड़की कोहली ले जा मेरी डोली का बैनर दिखा रही है। कोहली यहाँ मैच खेलने आया है यार, डोली ले जाने थोड़ी आया है। और कोहली कोई गांव मोहल्ले का चीकू तो है नहीं जो तुम्हारी जैसी लड़की का डोली उठाए। एक सेकंड, वो चीकू है लेकिन बहुत बड़ा वाला। आई विल किस माय पार्टनर फॉर एवरी बाउंड्री। यहाँ पे उसका पार्टनर कौन है पता नहीं, पर जो भी हो मज़ा तो उसी का था उस दिन। बंदे को कितने किस मिले होंगे कोई आइडिया नहीं। अगर चितेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी जैसे बल्लेबाज अगर बैटिंग कर रहे थे तब तो किस का संभावना बहुत कम था, लेकिन अगर कोई विस्फोटक बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तब तो उसके पार्टनर का उस दिन खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा।